अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्कूलिंग स्ट्रीट। ये है हमारा लेक्चर नंबर 6 अबाउट बिकम अ प्रो यूट्यूबर। इससे पहले जो भी हमने लेक्चर दिए हैं यूट्यूब के मुतल्लिक या फिर यूट्यूब अर्निंग के मुतल्लिक, वो थे लेक्चर नंबर 1 to 5। उन लेक्चर्स में हमने जो बात की थी उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम ये अपना फाइनल ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट लेक्चर जो था वो था हाउ टू क्रिएट गूगल अकाउंट। हमने गूगल अकाउंट क्रिएट करने के मतलब बात की थी और आपको सिखाया था कि आप कैसे गूगल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद था सेकंड लेक्चर। सेकंड लेक्चर में हमने बात की थी बिफोर क्रिएटिंग यूट्यूब चैनल, यानी कि किस बंदे को यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहिए, कौन कौन है जो कि एलिजिबल है यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हर कोई बंदा यूट्यूब चैनल क्रिएट नहीं कर सकता। उसके बाद जो थर्ड लेक्चर था उसमें हमने बात की थी हाउ टू क्रिएट एंड सेटअप यूट्यूब अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे उसकी सेटिंग्स की जाती हैं, उसके मुतल्लिक बात की थी। उसके बाद हम फोर्थ लेक्चर में बात की थी हाउ टू अपलोड वीडियोस ऑन यूट्यूब एंड डिफॉल्ट अपलोड सेटिंग्स, वीडियो को कैसे यूट्यूब अपलोड किया जाता है उसके मुतल्लिक और उसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स के मुतल्लिक बात की थी। फॉर एग्जांपल, अगर हम डिफॉल्ट सेटिंग्स कर देते हैं तो हम जो भी अपलोड करेंगे वीडियो उसकी वो डिफॉल्ट सेटिंग, डिफॉल्ट टैग्स, डिस्क्रिप्शन और टाइटल वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद था फिफ्थ लेक्चर, उसमें हमने बात की थी हाउ टू क्रिएट चैनल ट्विटर एंड फेसबुक पेजेस। मीन टू से, अगर आपने चैनल तो क्रिएट कर लिया, अब आपने चैनल पे अपनी वीडियो भी अपलोड कर दी, वीडियो अपलोड करने के बाद जो आपका लिंक होगा ना उसको आपने शेयर करना है ट्विटर पे, फेसबुक और डिफरेंट दूसरे सोशल नेटवर्क्स पे। तो हमने दो सोशल नेटवर्क की बात की थी, ट्विटर अकाउंट हमने क्रिएट किया था और फेसबुक पेज हमने क्रिएट किया था। जो आज का लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे हाउ टू सर्च हाई पेड टैग्स और कीवर्ड्स, इसके मतलब हम अब बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोस की अपडेट्स आती रहें। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपना चैनल ओपन कर लेना है। जब आप चैनल अपना ओपन कर लेंगे, ये हमारा चैनल ओपन हो चुका है, हम कॉन्टेंट में जाते हैं। ये मैंने न्यू चैनल क्रिएट किया था जस्ट आपको फ्रॉम A to Z बताने के लिए। तो अब ये देखें, ये मैंने कुछ वीडियोज इसमें स्केड्यूल पर लगाई हुई हैं, शेड्यूल की हुई हैं, जिससे भी वीडियोस, इससे जो पहले वीडियोस हैं वो पब्लिश हो चुकी हैं, तकरीबन 2, 4, 6, 8 तकरीबन वीडियोस पब्लिश हो चुकी हैं। अब फॉर एग्जांपल आप वीडियो अपलोड कर देते हो, वीडियो अपलोड करने के बाद जो आपका मेन काम होता है वो है उसका कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन और टैग्स वगैरह, टाइटल वगैरह को राइट करना, वहाँ पर ऐड करना, ये आपका मेन यही चीज़ है। अगर आपकी कीवर्ड्स जो आपने डिस्क्रिप्शन में, टैग्स में और टाइटल में यूज़ किए हैं वो अच्छे होंगे, हाई रैंक्ड होंगे, तो आपकी ट्रैफिक ऑटोमेटिकली आएगी। अब ये जो हमने स्केड्यूल पे लगाई हुई है वीडियो, अभी हमने पब्लिश नहीं की, इसको हम एडिट पे क्लिक करते हैं। अब देखें इसका जो टाइटल है वो है फ्री वीडियोस कुकिंग FHD कॉपीराइट। FHD कॉपीराइट मेरे यूट्यूब का चैनल है, उसका नेम है कुकिंग, एक कुकिंग है, यानी कि कुकिंग इसमें दिखाई गई है वीडियो में। उसके बाद फ्री वीडियोस, मतलब कि ये जो वीडियो है ये बिल्कुल फ्री है, आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है, डिस्क्रिप्शन के बाद मैंने लास्ट पे जाएँ शो मोर के जहाँ पे टैग्स हैं ये वाले, तो इनको मैं कैसे सर्च करता हूँ, कहाँ से सर्च करता हूँ और कैसे अप्लाई करता हूँ वह मैं आपको आज बताऊँगा। आपने गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद कोशिश करें कि आपका जो जीमेल अकाउंट है उसके थ्रू आप साइन इन हो, ठीक हो गया। उसके बाद आपने लिखना है कीवर्ड प्लानर, ये एक गूगल का अपना कीवर्ड प्लानर है, इसको ads.google.com भी कहते हैं। मीन टू से, इस वेबसाइट को ads.google.com या फिर ये वेबसाइट जो आपके सामने नजर आ रही है इसको ये भी यानी कि नाम से पुकारा जाता है, एड्स या एडवर्ड था पहले नाम इसका, फिर ads.google.com हो गया। अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली ads.com.google पे जाना है या अकाउंट अपना वहाँ पे ओपन करना है। यूं ही आप वो ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, इसको अपने यहाँ पे गॉट इट कर लेते हैं हम इसको, और इसको आपने सिंपली साइन इन करना है, यानी कि गूगल एड्स पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है।
क्रिएट करने का मतलब सिर्फ ये है कि आपका अगर गूगल अकाउंट है तो आप उसके थ्रू इसमें साइन इन कर लें, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद आपने, मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है तो मैं वही ओपन कर लेता हूँ। जब अकाउंट ओपन करेंगे, क्रिएट करने के बाद साइन इन करेंगे, तो आपके पास कुछ इस तरह से विंडो सहर होगी, शो होगी। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये बेसिकली गूगल की तरफ से एड्स प्लानर है। इसमें आपको कीवर्ड मिलते हैं, उनकी रैंकिंग मिलती है, कैसे सर्च कर रहे हैं और कितना सर्च कर रहे हैं, डेली, मंथली या फिर ईयरली बेसिस पे। तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। सिंपली आपने करना क्या है, जब आपका अकाउंट इधर ओपन हो जाए तो आपने टूल्स पे क्लिक करना है। टूल्स अभी ये ओपन हो रहा है, तो ये ओपन हो चुकी है वेबसाइट। हमें टूल्स पे क्लिक करना है। इसके बाद प्लानिंग, आपने इस पे क्लिक करना है। और नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आएगा कीवर्ड प्लानर का। यूं ही आप कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप कीवर्ड राइट करेंगे। मैंने वहां पे तीन कीवर्ड यूज किए हैं। नंबर 1 फ्री वीडियोस, नंबर 2 कुकिंग, नंबर 3 FHD कॉपीराइट फ्री। जो FHD कॉपीराइट फ्री है वो मेरा चैनल है, ठीक है, हो गया। मैं उसको भी एज अ कीवर्ड ही देखता हूँ, कीवर्ड ही यूज करता हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फ्री वीडियोस लिख के देखता हूँ, ठीक है। फ्री वीडियोस, इसको मैंने कर दिया इंटर, ये कीवर्ड है। कैट रिजल्ट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप बस इस कीवर्ड के रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये देखिए, फ्री वीडियोस, एवरेज मंथली सर्च, इस पे मंथली सर्च कितनी होती है, 1K to 10K, यानी कि 1,000 से लेकर 10,000 लोग इसको सर्च करते हैं पाकिस्तान में मंथली, फ्री वीडियोस को। उसके बाद अगर 3 मंथ्स चाहिए देखें, कंपटीशन देखें इसका, एड इम्प्रेशन शेयर देखें, टॉप ऑफ पेज बिड देखें, टॉप ऑफ पेज बिड हाई रेंज एंड लो रेंज देखें, तो सब की सब यहाँ पे शो हो रही है। अगर मैं एवरेज मंथ सर्च पे क्लिक करता हूँ तो इसको ये देखें, हाईएस्ट लोएस्ट इसने सॉर्ट कर दिया। मीन टू से, ये देखें, वॉच ऑनलाइन मूवी, ठीक हो गया। इसको 100K to 1 मिलियन लोग सर्च करते हैं पाकिस्तान में मंथली बेसिस पे। MP4 कन्वर्टर, यूट्यूब को इतनी दफ़ा सर्च किया जाता है। वॉच ऑनलाइन मूवी PK, वॉच ऑनलाइन मूवीज 2021, फ्री वीडियोज 1K to 10K, एंड वीडियो टू MP3 कन्वर्टर 1K to 10K। आप इनमें से सॉर्ट करने के बाद, हाईएस्ट लोएस्ट, आपने इनमें से वो कीवर्ड पिक करने हैं जो कि आपके वीडियोस के मुतलिक हैं। मीन टू से, मैंने फ्री वीडियो दी है तो फ्री वीडियो के मुतलिक जो भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं मुझे, वो मैं सारे पिक कर लूंगा। ये मैं रैंडमली यूज कर रहा हूँ, तो आप जस्ट वो पिक करेंगे जो कि वाकई आपके लिए या आपकी वीडियो के लिए अच्छे हैं या आपकी वीडियो को मेंशन करते हैं। तो यहाँ मैं रॉयल्टी फ्री म्यूजिक भी कर लेता हूँ, यूट्यूब म्यूजिक फ्री भी कर लेता हूँ, वीडियो भी कर लेता हूँ फ्री, ऑनलाइन मूवीज भी कर लेता हूँ, इसके बाद स्टॉक वीडियो भी कर लेता हूँ मैं। तो ये कुछ मैंने कीवर्ड सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे कीवर्ड आ जाएंगे कि आपने 11 कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद सिंपली आपने करना क्या है, कॉपी करनी है इसको, इन कीवर्ड्स को आपने यहाँ पे कॉपी करना है। ये कॉपी हो चुके हैं। कॉपी करने के बाद आपने अपनी वीडियो ओपन करनी है। ये जो कीवर्ड है, कीवर्ड का ऑप्शन होगा। अब वहां से आपने कीवर्ड कॉपी किए हैं लेकिन आपने उनको कीवर्ड बनाया नहीं है अभी। मीन टू से, यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन जाके आपने पेस्ट करने हैं। जो ही आप पेस्ट करेंगे तो आपके पास ऐसे ही आ जाएंगे। आपने सिंपली करना क्या है, हर कीवर्ड के आगे कोमा लगाना है, इसके आगे कोमा, इसके बाद इसके आगे कोमा, इसके आगे कोमा, यानी कि हर कीवर्ड के आगे एक कोमा लगा देना है आपने। कीवर्ड के आगे कोमा लगाने के बाद आपने सिंपली सबको सेलेक्ट करके कॉपी कर लें या कट कर लें। कट कर लेंगे, यहाँ से खत्म हो जाएंगे, ठीक हो गया। इसके बाद आपने आना कीवर्ड में, कीवर्ड में आने के बाद आपने इनको पेस्ट कर देना है। जो ही पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। अब आप मैक्सिमम 500 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं कीवर्ड्स ऑप्शन में। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ और भी वहां से पिक करके इधर ले आते हैं। ये कुकिंग की वीडियो है तो यहाँ से मैं एक और कीवर्ड लिखता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कुकिंग। इंटर किया मैंने और गेट रिजल्ट्स पे क्लिक कर दिया। अब ये सभी जो है ये कुकिंग के रिलेटेड आ चुके हैं। फर्स्ट नंबर है कुकिंग। कुकिंग कितना यूज होता है वर्ड या फिर कीवर्ड इन पाकिस्तान, 10K to 100K। ऐसे ही डिफरेंट यहाँ पे
कीवर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से कोई रेंडमली पिक कर लेता हूँ या फर्स्ट ही पिक कर लेता हूँ जिनको हाई सर्च वॉल्यूम है जिनका, उन सबको मैं यहाँ से पिक करके कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अपनी वीडियो में जाता हूँ, वीडियो में जाने के बाद इनको मैं कीवर्ड बनाता हूँ। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप यहाँ पे आकर वैसे ही पेस्ट कर देना तो वो एक ही कीवर्ड यहाँ पे शो हो जाएगा, जो कि हमने ऐसा करना नहीं है। हमने वन बाय वन हर एक को यहाँ पे राइट करना है, लिखना है। तो हम फिर वही काम करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आएंगे, इनको पेस्ट करेंगे, हर एक के कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद हम इसको सबको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे या फिर कंट्रोल एक्स करेंगे, यहाँ पे आकर पेस्ट कर देंगे, राइट। ऐसे ही आपने कुछ कीवर्ड्स यूज़ करने हैं जो कि हाई सर्च्ड हो। हाई सर्च कीवर्ड का एक और मकसद भी होता है, ये देखिए, सपोज ये हाई सर्च्ड है, इसके बिड रेट देखिए 5.48 पर क्लिक पे या फिर पर इम्प्रेशन कह लें, उसके बाद 52.90, अगर थोड़ा सा नीचे हैं आप 38, 207, 20 एंड 247, इनको भी आप सॉर्ट कर सकते हैं हाईएस्ट लोएस्ट। इसमें हम क्लिक करते हैं तो ये सॉर्ट हो जाएगा, ये देखिए 64, 47, 44, 41 एंड सो ऑन। अब एक और चीज़ देखें, अब यही जो कीवर्ड हमने सर्च किया है पाकिस्तान में, इसको हम सर्च करते हैं यूएसए में या फिर किसी और कंट्री में, जहाँ भी हम चाहते हैं कि हमारी वीडियोस चल सकें या चलें या फिर चलाना चाहते हो आप। मैं यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, मैं यूँ ही यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा और इसके बाद यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, इसको एवरेज मंथली सर्च को हाईएस्ट लोएस्ट सर्च कर लूँगा। जो ही मैं सर्च करूंगा तो जो कुकिंग का है कीवर्ड, इसके मुताबिक जो भी हाईएस्ट लोएस्ट होंगे यहाँ पे शो हो जाएंगे, जैसे कि 100 के 2 1 मिलियन, कुकिंग इन यूएसए एंड पाकिस्तान, यानी कि दोनों में। अगर आप चाहें तो पाकिस्तान को रिमूव कर दें, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट रहने दें, तब भी कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट देखें तो ये देखें काफ़ी हाई सर्च्ड है, और ये देखें एयर फ्राइड रेसिपीज, इसके अलावा डिफरेंट और भी नेम आ रहे हैं जो कि पाकिस्तान में यूएसए में ज़्यादा चलते हैं, ज़्यादा सर्च किए जाते हैं। तो इसका मतलब है सिर्फ पाकिस्तान में आपकी वीडियो नहीं चलेगी बल्कि यूएसए में भी अगर कोई इस कीवर्ड को सर्च करेगा तो वहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी वीडियो शो हो और उसको देखे और उसका आपको हाई रेवेन्यू आएगा। अगर हम इसी को अब पाकिस्तान को रिमूव कर देते हैं इधर से, जब हमने पाकिस्तान को रिमूव कर दिया, यूनाइटेड स्टेट्स रहने दिया जस्ट, अब यूएसए में बिट रेट देखें आप 3637 27322 हाई। अब आप सर सोचें कि अगर आपका चैनल जो है पाकिस्तान की बजाय यूएसए में देखा जाए, यूएसए में ज़्यादा चले, तो वहाँ से आपको कितना रेवेन्यू आएगा, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा आपका। तो यहाँ पे आप कीवर्ड को सर्च कर सकते हो, जो हाईएस्ट सर्च कीवर्ड हैं आप उनको अपने टाइटल में भी यूज़ करो, जैसे मैंने कुकिंग का वर्ड यूज़ किया, टाइटल में भी यूज़ किया और डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ किया और टैग्स में भी यूज़ किया। और कोशिश करें कि जो कुकिंग का वर्ड है इसको आप हैशटैग भी बना दें, क्योंकि कुकिंग का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसकी सर्चेज हैं, तो इसको हम हैशटैग बना देते हैं। जो ही आप हैशटैग के साथ कोई चीज़ लिखते हो तो वो वाला कीवर्ड आपकी वीडियो के नीचे शो हो जाता है, जब वीडियो प्ले होती है तब। आपने जब डिस्क्रिप्शन लिखनी है, डिस्क्रिप्शन में वही वर्ड्स यूज़ करने हैं, ये वाले जो आपने सर्च किए होंगे, अपने डिस्क्रिप्शन में लाजमी 2-4 वर्ड्स या फिर सभी वर्ड्स को यूज़ करें जो भी अपने टैग्स में यूज़ किए हैं। अगर वो यहाँ पे यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपके एसईओ स्कोर जो होगा वो हाई हो जाएगा। मिनिमम आप 2 वर्ड टाइटल में यूज़ करें, 2-4 वर्ड डिस्क्रिप्शन में यूज़ करें और वही वाले वर्ड्स अपने टैग्स में भी यूज़ करें। इससे क्या होगा, आपकी ट्रैफिक ज़्यादा आएगी और आपका चैनल अच्छे से चलेगा। अब मैंने जो चैनल है एफएचडी कोऑपरेटिव, जस्ट आपको दिखाने के लिए बनाया था, यानी कि स्टार्ट टू एंड, जस्ट मैं आपको बता सकूं कि चैनल कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे उस पर वीडियो अपलोड होती हैं, कैसे चैनल के लिए पेजेस हम क्रिएट करते हैं और कैसे सब कुछ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं अपने ऑफिशियल चैनल है जो मेरा स्कूलिंग स्ट्रीट, इसके एग्जाम्पल्स के तौर पर आपको दूंगा, जिसमें आपकी आपको CPM, RPM या फिर एस्टिमेटेड रेवेन्यू के मतलब बताऊंगा, इसके बाद मोनेटाइजेशन के मतलब बताऊंगा, मर्चेंडाइज के मतलब बताऊंगा, इसके अलावा डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे हम अपने ऑफिशियल चैनल के अंदर, जो कि हमारा स्कूलिंग स्ट्रीट चैनल है, उसके थ्रू हम अब डिस्कस करेंगे। ये हमने जस्ट एक डेमो, एक डेमी आप समझ लें कि चैनल बनाया था,
आपको समझाने के लिए, जिसमें हमने आपको बताया कि जीमेल का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, कौन बंदा यूट्यूब चैनल बना सकता है, कैसे वीडियो अपलोड करते हैं, कैसे यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं, कैसे उसकी सेटिंग्स करते हैं, कैसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स करते हैं, और कैसे हम वीडियो के लिए टैग्स को सर्च करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो होगी वो ऑफिशियल चैनल के थ्रू होगी। ऑफिशियल चैनल को हम एज अ रिव्यू, एज अ व्यू लेके चलेंगे, जिसमें हम आपको डिफरेंट चीज़ें बताएंगे बिल्कुल अपने एक अर्निंग चैनल पे। इस पे जो भी वीडियो अपलोड होती हैं वो कहीं भी शेयर नहीं कर रहा था, बस आपको दिखाने के लिए ये सब कुछ किया था। ये फ्री वीडियोज़ हैं जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें, और ये कॉपीराइट फ्री हैं। इसको मैंने कुछ वीडियोज़ को यहाँ पे लगाया हुआ है, ये देखें, ये जस्ट आपको समझाने के लिए दिखाई थी मैंने। नेक्स्ट बात ये करनी थी कि अगर आप वीडियो अपलोड करते हो तो उसमें कंसिस्टेंसी रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने आज एक वीडियो अपलोड की है, इसके बाद 3 दिन बाद की है, तो आपको चाहिए कि हर 3 दिन बाद आप एक वीडियो मस्ट पब्लिश करें। उससे ये होगा कि यूट्यूब आप पे ट्रस्ट करेगा कि ये बंदा वाकई एक्टिव है और अपने चैनल को लेके अच्छी वीडियोस, अच्छा कंटेंट तैयार करता है और अपलोड करता है ऑन रेगुलर बेसिस। अगर आप चाहते हो तो आप वीकली बेसिस पे करते रहो अपलोड, डजेंट मैटर, लेकिन आपको चाहिए थे कि आप कंटिन्यूसली करें। अगर आप वीकली करते हो तो री वीकली करें, 15 दिन बाद करते हैं तो 15 दिन बाद ही करें, 20 डेज बाद करते हैं 20 डेज बाद करें, मंथली एक वीडियो अपलोड करते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, आप मंथली एक वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि कंसिस्टेंसी रखें, जिसके थ्रू क्या होगा कि यूट्यूब आप पे ट्रस्ट करेगा और आपकी वीडियो को लोगों तक या फिर सर्चर्स को दिखाएगा। अगर आपकी टैग्स, डिस्क्रिप्शन और टाइटल अच्छा होगा, इसके साथ साथ एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है वो थंबनेल। थंबनेल क्रिएट करने के मतलब हमने पहले भी बात की थी, लेकिन वो इस प्लेलिस्ट में नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियो भी इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूं, तो वहां से आप वो भी चेक करके अपना थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एडवांस स्किल नहीं है, तब भी आप अपनी वीडियोस के लिए थंबनेल क्रिएट कर सकते हो बेसिक नॉलेज के थ्रू। उसमें हमने पावर पॉइंट के थ्रू थंबनेल क्रिएट करने के मतलब बात। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ थंब अप एंड कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।